हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका गाइड नीलेश, एक बार फिर से आपके सामने अपनी एक नई वीडियो के साथ। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डायमंड आर्ट गाइड पे। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ सरीन कंपनी द्वारा बनाई गई रफ डायमंड मैपिंग मशीन की चर्चा की थी। आज हम उस मशीन को चलाने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो रफ डायमंड के प्लानिंग में इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसे नहीं देखा हो तो प्लीज पहले उसे देख ले, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप चाहे तो इस वीडियो को ऊपर लगे हुए इस आई बटन की मदद से भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एडवाइजर सॉफ्टवेयर, जिसमें मुख्य 5 पेजेस है और इसी पेजेस के अंदर कई सारे ऑप्शंस के द्वारा रफ डायमंड का पूरा प्लानिंग होता है। उसमें सबसे पहला पेज होता है मैप, मतलब मैपिंग। उसका दूसरा पेज होता है इंक्लूजन। उसका तीसरा पेज होता है प्लान, मतलब प्लानिंग, जिसमें पॉलिश एरिया का प्लानिंग होता है। चौथा पेज है फाइन ट्यून और पांचवा पेज होता है मार्क, मतलब मार्किंग का पेज। आज हम इस वीडियो में मैपिंग के पेज के बारे में सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ। और मैं अपने नए व्यूअर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूले, और अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरी चैनल डायमंड आर्ट गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक को। जैसे कि आप देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट को क्लिक करते ही ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, और सॉफ्टवेयर के ओपन होते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी इस सॉफ्टवेयर के पहले पेज, हम इसे जरा जूमिंग करके देखते हैं, यानी मैपिंग के ही सारे ऑप्शंस ग्लो कर रहे हैं और कई सारे अभी भी एक्टिव नहीं हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे पेजेस हैं जिसमें हम रफ एरे का टॉप टू बॉटम प्लानिंग करने के बाद फाइनल हुए प्लान को मार्किंग भी करते हैं। और आज हम ये जो मैपिंग का पेज समझने जा रहे हैं, उसके लिए कंप्यूटर का सरीन मशीन से जुड़े होना अनिवार्य है। और इन सारे ऑप्शंस को आसानी से समझने के लिए हम इसे अलग अलग हिस्सों में समझेंगे, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेगुलर मैपिंग से। जैसे ही आप मैपिंग के किसी भी पेज को क्लिक करोगे तो आपके सामने डिस्प्ले पे इस तरह से डायमंड को रखे जाने वाला स्टेज दिखाई देगा, जिसे आप अपने माउस के कर्सर से मूव भी कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इस स्टेज के बीचों बीच एक हॉल होता है जो एक छोटी सी वैक्यूम मशीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और ये वैक्यूम डिस्प्ले पे दिखाए गए इस ऑप्शन से ऑन या ऑफ भी किया जा सकता है, जिससे रफ हीरा इस स्टेज के ऊपर वैक्यूम प्रेशर की मदद से आसानी से किसी भी पोजीशन में खड़ा हो सके। जैसे कि आपने अभी देखा कि हीरे को इस स्टेज के ऊपर किस तरह से रखा जाता है। अब हम इसे रेगुलर यानी कैमरे की मदद से इसकी 3D इमेज लेंगे, जिसकी प्रोसेस आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, और इस तरह से कुछ इसकी इमेज तैयार होती है जो सिर्फ और सिर्फ कैमरे की मदद से ली गई है। जैसे कि आप इस मैपिंग में देख सकते हैं, कैमरा मैपिंग के द्वारा इसका 3D मॉडल तैयार किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कैप्चरिंग के दूसरे ऑप्शन, जिसे इस सॉफ्टवेयर में कॉन्केव मैपिंग कहा जाता है। जैसे कि आप इस मैपिंग में देख सकते हैं, पहले कैमरा मैपिंग के द्वारा इसका 3D मॉडल तैयार किया जाता है, और आधा मैपिंग रेगुलर से होने के बाद इसका लेसर मैपिंग स्टार्ट होता है। और नॉर्मली इस प्रोसेस में 40 से 45 सेकंड्स लगते हैं, और ये समय रफ हीरे के साइज के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस हीरे का लेसर मैपिंग द्वारा बनाया गया 3D मॉडल आपके सामने है। आपने थोड़ी देर पहले जो रेगुलर मैपिंग द्वारा 3D मॉडल तैयार हुआ था उसे देखा है, और उसी हीरे का कैमरा और लेसर दोनों के इस्तेमाल से जो 3D मॉडल बना है वो भी आपके सामने है, और आप इन दोनों के बीच का फर्क आसानी से देख सकते हैं। और आप लोगों को आसानी से समझ में आए, इसलिए मैंने एक तस्वीर भी रखी है, जिससे आप रेगुलर और कॉन्केव के बीच के मैपिंग क्वालिटी के अंतर को आसानी से समझ सके। इसीलिए ज्यादातर डायमंड इंडस्ट्री में जब हीरे को मैपिंग किया जाता है तो उसे सिर्फ कॉन्केव मैपिंग से ही मैपिंग किया जाता है, जिससे रफ हीरे का एकदम सटीक 3D मॉडल तैयार हो सके और प्लानिंग करते समय उसके आउटपुट का सही अंदाजा हो सके। और मैं आपको रेगुलर और कॉन्केव दोनों मैपिंग के इंटरनल ऑप्शंस के बारे में भी समझाना चाहता हूँ। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर राइट क्लिक करने से दोनों में एक ऑप्शन बार खुलता है, जिसमें मैपिंग के
के कुछ अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। पहला है एक्यूरेट, उसके बाद फास्ट, मोस्ट एक्यूरेट, नैनो, रेगुलर, सेफ और स्लो। अब मैं आपको इस सॉफ्टवेयर में दिए गए इस मोड्स के कारण के बारे में समझाता हूँ। ये मोड्स इसलिए दिए गए हैं कि आप अपने हिसाब से मैपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रख सके। और मोस्टली हमारे डायमंड इंडस्ट्री में जो ये आप तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं मोस्ट एक्यूरेट, उसी का ज्यादातर यूज होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे मैपिंग के ऑप्शन की तरफ, जो है मैप मिक्स। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इस मैपिंग ऑप्शन में रेगुलर और कॉनकेव मैपिंग एक साथ होता है। जैसे कि आपने पहले देखा था कॉनकेव मैपिंग के वक्त, जैसे पहले रेगुलर मैप होता था उसके बाद लेजर मैपिंग चालू होता था, इस ऑप्शन के अंदर दोनों मैपिंग एक साथ होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शंस की तरफ, जो है क्रिस्टल रेगुलर और क्रिस्टल कॉनकेव। ये मैपिंग ऑप्शंस खास तरह से क्रिस्टल शेप के डायमंड्स के लिए बनाया गया है, या तो जिन हीरो की पारदर्शिता कुछ ज्यादा होती है उस हीरो के मैपिंग में ये दोनों ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कैमरे की और लेजर मैपिंग की दोनों की फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक इतनी कम की गई होती है कि जिससे रेगुलर मैपिंग की रेड लाइट और लेजर मैपिंग की लेजर हीरे के आर पार ना जा सके। लेकिन इस ऑप्शंस को बहुत कम यूज किया जाता है, ज्यादातर लोग सिर्फ कॉनकेव मैपिंग को यूज करना ही पसंद करते हैं। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन के बारे में समझाना चाहता हूँ, जो है ओपन फाइल। ये जो फोल्डर जैसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी डायमंड्स को कैप्चर करके सेव किया हो उसका शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। इसमें यहाँ क्लिक करने पर आपने अपने डायमंड्स को किस ड्राइव में सेव किया है वो ड्राइव आपको दिखाएगी, और उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर आपने कौन कौन से अलग अलग रफ के डायमंड्स को कैप्चर करके सेव किया है वो भी आपको कट वाइज देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। और आप कभी भी इन सेव किए गए डायमंड्स को डबल क्लिक करके, या तो ये जो आपको नीचे ओके का बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके आप ओपन करके अपना प्लानिंग कर सकते हैं, या तो प्लानिंग में फेरबदल भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ इस एडवाइजर सॉफ्टवेयर के सारे मैपिंग ऑप्शंस को समझा दिया है, और अब मेरे आने वाले एडवाइजर से रिलेटेड दूसरे वीडियो में इस मैपिंग के पेज के जो ऑप्शंस बाकी रह गए हैं, जैसे कि रीमैप और रीमैप से जुड़े हुए और कई इंटरनल ऑप्शंस, जिसे मैं अगली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना न भूलें, और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरी चैनल डायमंड आर्ट गाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए डायमंड और डायमंड इंडस्ट्री से जुड़ी इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं, और इसलिए इस बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, जिससे ये वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।